व्हाट्स अप एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। मैं प्रवीण आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पे। दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे ये हेलमेट मैंने हाथ में लेके क्यों रखा है। अरे भैया, पूरे देश में डर है, लोग आजकल सोते भी हेलमेट के साथ ही है। उन्हें लगता है कि भाई कहां से ट्रैफिक पुलिस वाले आके चलान ना काट जाए। 2-2 लाख रुपए के चलान कट रहे हैं, अगर आप लोगों को नहीं पता, 2 लाख रुपए। और ये कटा है, असली वाली बात है, झूठ या मजाक वाली बात नहीं कह रहा मैं। जिसका फाइन लगा है उस पर क्या बीती होगी वो तो वही जान सकता है। बट खैर, आज के इस वीडियो में बात करेंगे नए ट्रैफिक नियम के बारे में जो आए हैं। क्या सही है, गलत है, इतना ज़्यादा जो फाइन लिया जा रहा है वो लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, अपनी राय भी दूंगा आप लोगों से, आप लोगों की राय भी पूछूंगा। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है दोस्तों, लास्ट तक देखना। बट उससे पहले, अगर पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को लाइक करना ना भूले, ताकि ऐसे वीडियो फ्यूचर में जब भी लेके आए आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। अब मैं सबसे पहले इस हेलमेट को नीचे रख देता हूं, क्योंकि हमें डरने की जरूरत नहीं है, हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स है, लाइसेंस है, सब कुछ है, ठीक है। सो आपको भी नहीं डरना चाहिए अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स या लाइसेंस वगैरह जो भी चाहिए वो है। सो खैर, बात करते हैं पहले फाइंस के बारे में। मैं आप लोगों को बताता हूँ कितना फाइन बड़ा है, उसके बाद आगे की बात करेंगे। तो एक छोटा सा प्रेजेंटेशन आप लोगों के लिए तैयार किया गया, वो देख लो, उसके बाद आगे की बातें करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप विदाउट लाइसेंस के ट्रैवल करते हैं तो पहले जो चलान था वो 500 रुपए था, अब वो बढ़ के 5000 रुपए हो गया। अगर आपका व्हीकल ओवरसाइज है तो उस केस में अभी जो चलान है वो 5000 रुपए का हो गया, पहले नहीं था। अगर आप ओवर स्पीड में गाड़ी चलाते हैं तो पहले चलान 400 रुपए था, अब 1000 रुपए हो चुका है। अगर आप डेंजरस ड्राइविंग करते हैं तो पहले 1000 रुपए चलान था, अब अप टू 5000 रुपए का चलान हो गया। अगर ड्रिंक करके ड्राइविंग करते हैं, अल्कोहल लेके ड्राइविंग करते हैं तो यहाँ पे 2000 पहले चलान था, अब 10000 रुपए का चलान हो गया। अगर आप तेज चलाते हैं, रेसिंग करते हैं तो पहले चलान 500 रुपए था, अब 5000 रुपए का हो गया। अगर आपके पास परमिट नहीं है व्हीकल का तो पहले अप टू 5000 रुपए का चलान होता था, इसको डबल कर दिया गया, 10000 रुपए तक का चलान हो गया। अगर आपका व्हीकल ओवरलोड है तो ओवरलोडिंग का पहले जो चलान था वो 2000 रुपए तक का था, अभी उसको बढ़ा के 10 गुना करके 20000 रुपए तक का कर दिया गया। अगर आप अपनी गाड़ी में लिमिट से ज्यादा लोग बैठाते हैं, ओवरलोडिंग करते हैं पैसेंजर्स की, तो पहले कोई चलान नहीं था, अब 1000 रुपए पर पैसेंजर का एक्स्ट्रा चलान बनेगा आपका। सीट बेल्ट नहीं पहनते तो पहले 100 रुपए का चलान था, उसको 10 गुना करके 1000 रुपए तक का कर दिया। अगर आप ओवरलोडिंग करते हैं टू व्हीलर्स में तो वहां पे पहले जो चलान था वो 100 रुपए का था, अब उसको 2000 रुपए तक का कर दिया गया है। साथ ही साथ 3 महीने तक का आपका जो लाइसेंस है वो भी डिस्क्वालीफाई हो सकता है। हेलमेट ना पहनने पे पहले 100 रुपए का चलान था, अभी उसको बढ़ा के 1000 रुपए कर दिया गया है और 3 महीने तक का आपका लाइसेंस भी रद्द हो सकता है। इसके अलावा अगर आप लोग इमरजेंसी व्हीकल को यहाँ पे जगह नहीं देते, जैसे कि एम्बुलेंस वगैरह है, तो उस केस में पहले कोई चलान नहीं था बट अभी 10000 रुपए तक का चलान कर दिया गया है। अगर आप विदाउट इंश्योरेंस के ड्राइव करते हैं, जो भी आपकी गाड़ी है, बाइक है, उसका इंश्योरेंस नहीं है आपके पास, तो पहले 1000 रुपए का चलान था, अब 2000 रुपए का चलान कर दिया गया। अगर यहाँ पे विदाउट लाइसेंस या छोटे बच्चे अगर कोई गाड़ी वगैरह चलाते हैं या फिर बाइक वगैरह चलाते हैं 16-17 साल के, तो पहले कोई चलान नहीं था बट अभी जिसकी गाड़ी होगी, जिसकी बाइक होगी, जिसकी स्कूटी होगी, उसको 25000 रुपए तक का चलान देना पड़ेगा ओनर को, साथ ही साथ 3 साल की सजा भी हो सकती है। इसके अलावा अगर आप लोग रेड लाइट जंप करते हैं तो पहले 100 रुपए का चलान था, अब उसको बढ़ा के 10 गुना करके 1000 रुपए तक का कर दिया गया। तो देखा दोस्तों, आप लोगों ने ये फाइन हुए हैं। तो अगर आप लोग अभी गलती करते हैं तो बड़ा महंगा पड़ सकता है आप लोगों के लिए। जैसा कि मैंने बताया कि भाई 2 लाख रुपए का फाइन हो गया। इससे पहले भी एक बाइक वाले को शायद 20-25 हज़ार का फाइन हुआ था, उसने अपनी बाइक जला दी, उसने कहा भैया मैं 25-30 हज़ार रुपए इस बाइक पे दूंगा तो मैं एक अच्छी सेकंड बाइक ले लूंगा इतने रुपए में। खैर, सबसे पहले तो देख लेते हैं कि ये जो नियम लागू हुआ है, जो कि 1 सितंबर 2019 से लागू हुआ है, इसकी अच्छाइयाँ क्या है, उसके बाद इसकी बुराइयाँ डिस्कस करेंगे। जहाँ तक अच्छाइयों की बात है तो देखो, जब फाइन ज़्यादा होगा तो लोगों के दिमाग में एक डर होगा, लोग यहाँ पे रेड लाइट क्रॉस नहीं करेंगे, कोई ट्रैफिक नियम का उल्लंघन नहीं करेंगे। तो इससे सबसे बड़ा फायदा निकल के ये आएगा कि हमारे देश में ट्रैफिक घटेगा। ज्यादातर जो ट्रैफिक होता है देश में, उसकी सबसे बड़ी वजह क्या होती है, भाई रेड लाइट है, एक बंदे ने अपनी गाड़ी घुसेड़ दी, अब उस गाड़ी चली गई उस रेड लाइट में, तो कंजेशन हो गया, कोई इधर से आ रहा है, कोई किधर से आ रहा है, तो इससे एक ट्रैफिक बढ़ता है, वो एक घटेगा। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ कि यहाँ पे एक्सीडेंट्स कम होंगे। ज़्यादातर एक्सीडेंट्स की वजह क्या होती है, जब रेड लाइट कोई क्रॉस कर जाता है या ट्रैफिक नियम का उल्लंघन करोगे तो यहाँ पे एक्सीडेंट्स की संख्या बढ़ती है। तो वो एक फायदा होगा, क्योंकि अगर लोगों के दिमाग में डर रहेगा, लोग रूल्स को फॉलो करेंगे तो यहाँ पे एक्सीडेंट्स कम होंगे। तीसरी चीज़ कि गवर्नमेंट के रेवेन्यू में बढ़ावा होगा, भाई अगर फाइंस बढ़ेंगे तो गवर्नमेंट को ज़्यादा रेवेन्यू मिलेगा, तो गवर्नमेंट का फायदा है। अब बात करते हैं दोस्तों नेगेटिव्स के बारे में, डिसएडवांटेजेस के बारे में, इस रूल के बारे में। मैंने काफ़ी रिसर्च की तो उनके बेसिस में मैं ये बता रहा हूँ कि जब फाइन ज़्यादा होगा तो शायद करप्शन भी बढ़ सकता है, ऐसा भी लोगों का कहना है। दूसरी चीज़ जो लोग कह रहे हैं, जिस पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, वो ये है कि इतना फाइन हमारे देश के लिए सूटेबल नहीं है, क्योंकि अगेन बहुत ज़्यादा फाइन है, 10-10 हज़ार रुपये फाइन कोई फाइन नहीं होता, बहुत ज़्यादा है।
ठीक है, तो लोगों के पॉकेट में बहुत बड़ी मार पड़ रही है। बट दूसरे जो इसके साथ है, इसके पक्ष में, उन लोगों का ये कहना है कि भाई अच्छा ही है, नियम फॉलो करो इससे। तो ये दो चीज़ें चल रही है अभी। आपकी क्या राय है, क्या इतना ज़्यादा फाइन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन पे लिख के बताओ। मैं अपनी भी जो राय है वो वीडियो के आखिर में बताऊंगा। अभी क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये नियम तो लागू कर दिए, अब स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर है कि इनको इम्प्लीमेंट करना है नहीं करना है। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्टेट निकल के आ रहे हैं जिन्होंने इन नियमों को लागू करने से मना कर दिया है। इनमें से कुछ ऐसे ही स्टेट्स हैं, महाराष्ट्र, MP, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, पंजाब और यहाँ पे गोवा। इसके अलावा उड़ीसा और केरला की गवर्नमेंट देख रही है कि अभी इन नियमों को लागू करना है नहीं करना है। राजस्थान गवर्नमेंट ने नियमों को लागू किया है पर लेस फाइन के साथ लागू किया है। इसके अलावा ऐसे स्टेट जिन्होंने शुरू से ही नियमों को लागू करके रखा है वो है हरियाणा, बिहार, असम, त्रिपुरा और दिल्ली में भी ये नियम जो है लागू है, राइट? ये कुछ स्टेट्स की बात थी। आप जिस भी स्टेट्स में रहते हैं, जिस भी स्टेट से इस वीडियो को देख रहे हैं, आप नीचे कमेंट सेक्शन पे लिख के मुझे बताना और सभी को बताना कि आपके स्टेट में, आपके शहर में ये नियम लागू है या नहीं है, राइट? अब बात करते हैं मेरी क्या राय है इस बारे में। देखिए दोस्तों, मुझे लगता है कि ये जो नियम लागू हुआ है बिल्कुल सही है, होना ही चाहिए ताकि लोग जो है एक डिसिप्लिन में रह सके। जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह की ज़रूरत है, लाइसेंस वगैरह की ज़रूरत है, वो अपने साथ कैरी करके रख सके। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट पूरे हैं, अगर आप रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, तो आपका चलान नहीं कटेगा, ठीक है। बट मैं ये भी मानता हूँ कि भाई इतना फाइन तो नहीं होना चाहिए। 10,000 रुपये फाइन रखोगे तो मतलब कितना आप ज़्यादा हैवी हो सकता है। जो फाइन के रेट्स हैं उनको कम किया जा सकता है, मुझे ऐसा लगता है। बाकी नियम जो है बहुत सख्त लागू किया गया है। अब निकल के दिखाओ बिना हेलमेट के, पता लगेगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं दोस्तों। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। इसके अलावा और भी बहुत सारे वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे, उन वीडियोस को भी आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। कुछ वीडियोस के लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, बाकी आप हमारा चैनल चेक करना ना भूलें। तो दोस्तों जल्द ही आप लोगों से मुलाकात होती है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।